भारत की पहली माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की लड़की मालावज पूर्णा की जिंदगी पर आधारित फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि इस फिल्म का नाम भी पूर्णा है और इस फिल्म का निर्देशन राहुल बोस कर रहे हैं। जानकारी दे दें कि फिल्म के विशेष स्क्रीनिंग के मौके पर पूर्णा के संरक्षक सह कलाकार प्रवीण कुमार और उनके परिजन उपस्थित हुए थे। पूर्णा ने इस फिल्म को लेकर कहा था, फिल्म देखकर मैं टूट गई और मुझे लगता है कि ये शानदार, जबरदस्त और अविश्वसनीय फिल्म है। दरअसल पूर्णा ने खुद कहा कि मुझे अपनी वो यात्रा याद है। उन्होंने सभी को विशेष संदेश देते हुए ये भी कहा कि कड़ी मेहनत महत्वपूर्ण है और सभी को उनको दिए अवसर का उपयोग करना चाहिए। लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। असल में मैं ये साबित करना चाहती थी कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। पूर्णा के परिजन भी फिल्म देखकर भावुक हो उठे और उनके गुरु ने कहा कि हम हमेशा मानते थे कि सबसे अमीर और सबसे गरीब के बीच का अंतर सिर्फ एक मौके का होता है। मेरे पास राहुल और उनकी टीम को धन्यवाद देने के लिए कोई शब्द नहीं है। आपको बता दें कि फिल्म 31 मार्च को रिलीज होगी और इस फिल्म को देखने जाना वाकई में एक खूबसूरत अनुभव हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पूर्णा के जीवन पर आधारित इस फिल्म को देख सभी भावुक हुए, उस तरह से शायद ये दर्शकों के दिल को भी छूने में कारगर साबित हो। सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू, जुड़ जाए हमारे साथ और पाए एंटरटेनमेंट, देश विदेश और सभी तरह की सारी खबरें। टॉप न्यूज की रिपोर्ट।